दुनिया में आज देखिए अपने घर काम करने वाली बच्ची के साथ जुल्म करने वाला पाकिस्तान का एक जज। जज के घर छोटी नौकरानी की पिटाई का मामला, केस दबाने की कोशिश की थी जज ने पाकिस्तान से बीबीसी की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं आदित मेहरा। पाकिस्तान से इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अलावा कार्यक्रम में आज उत्तर कोरिया की मिसाइलों से डरा जापान, अगले हफ्ते किम जोंग उन और ट्रंप की वार्ता को लेकर क्यों है परेशान। वेरेबल टेक्नोलॉजी की मदद से महिलाओं की सुरक्षा का आसान रास्ता निकालने का प्रयास, और पाकिस्तान के वो हिंदू जो करवाते हैं मुसलमानों को इफ्तार। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आज बीबीसी दुनिया में। आज शुरुआत पाकिस्तान से, जहां हजारों छोटे बच्चे बच्चियां घरों में नौकरों का काम करते हैं, मगर पिछले साल वहां 10 साल की एक बच्ची की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली गई तो लोगों को लड़की की हालत देख काफी गुस्सा आया। ये बच्ची एक जज के घर काम करती थी। मामले की पड़ताल करती पाकिस्तान से सिकंदर किरमानी की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। वो ये वाली स्टोरी है। अच्छा, 10 साल की तैयबा फिर से जीना सीख रही है। वो एक चैरिटी के यहाँ रह रही है, पर वो अपने परिवार से कई सौ किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में एक जज और उनकी पत्नी के घर काम करती थी। 2016 में तैबा की ये तस्वीर तब ली गई जब उसके मालिकों ने उसकी पिटाई की थी। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को देख पाकिस्तान में काफी आक्रोश हुआ था। या किसी ने आपको बताया हो कि आप जब बहुत छोटे थे तो आपको उन्होंने जज के घर काम के लिए क्यों भेज दिया था? उन्होंने कर्जा देना था इसीलिए। उन्होंने आपको बताया था ये बात के कर्जा देना? अम्मी ने बताई थी मुझे। जज और उनकी पत्नी ने तैबा के साथ मारपीट की बात से इनकार किया, पर उसने हमें बताया कि एक झाड़ू खो जाने पर उसे पीटा गया था। उन्होंने मुझे मारा था, उन्होंने हाथ भी जलाया था, इसलिए मैं छुपा दिया था। उन्होंने मुझे फिर ये देखिए ना, उसके हाथ पे ये जो निशान है ये इसी तरह है, जलाया था उन्होंने। मुझे भी उससे लेवल पे समझती थी ना कि शायद आंटी भी ऐसे करेंगी ना कि काम करवाएंगी तो मारेंगी यही। फिर जाकर महीने डेढ़ दो बाद ना इस चीज़ पे मुतमिन हुई थी कि हमने नहीं ये झाड़ू पोछा करना, तो ना ही हमने बर्तन बर्तन धोने हैं, तो ना ही हमें मार पड़नी है। पाकिस्तान में कई कामों में बच्चों को कानूनी तरीके से काम करने की इजाज़त है, पर कई कार्यकर्ताओं की मुहिम के बाद भी पाकिस्तान के ज्यादातर घरों में बच्चों के काम करने पर रोक नहीं लगाई गई है। समझा जाता है 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे घरों में नौकर हैं, कईयों को यातनाएं दी जाती हैं और शायद ही कभी किसी मालिक को सजा हुई हो। पाकिस्तान में ज्यादातर आपराधिक मामले सरकार की तरफ से दायर नहीं होते, बल्कि उन्हें दायर करते हैं शिकार हुए लोग या उनका परिवार। सिर्फ वो ही लोग आरोपों को वापस लेकर कोई समझौता कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ कोर्ट को ये कहना होता है कि उन्होंने अभियुक्त को ऊपर वाले के नाम पर माफ कर दिया, जबकि इसकी असल वजह ये होती है कि उन्हें इसके लिए पैसा दिया जाता है। पर तैयबा की बात करें तो आरोपियों पर मुकदमा चला, महीन जफर पर पिटाई करने के आरोप लगे और उनके पति जज राजा खुर्रम अली पर बच्ची पर अत्याचार करने के आरोप लगे। कोर्ट में तैयबा ने अपने आरोपों को दोहराया, पर आरोपों की जांच करने के वक्त उसने अपने आरोप वापस ले लिए। सरकारी वकीलों ने कहा कि वो सच बोल रही हैं, जबकि दूसरों को लगा कि 10 साल की तैयबा डर गई है। तैयबा को लगी चोट के बावजूद उसके पिता ने अपने वकील की मदद से केस वापस लेने की कोशिश की, पर इस बार कोर्ट ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। तैयबा ने जो हमारे को बताया, हमारे को उसने इतने बताया कि मैं सीढ़ियां से गिरी हूँ, मारा नहीं। कैसे तैयबा इस पुलिस वालों को इस तरह का बयान दे सकती कि ये जज की बीवी ने इसको मारा? ये तो उन्हें पता नहीं, बच्ची को डरा धमका के बयान देते गए। आपको इतना यकीन कैसे हो सकता कि असल मुस्लिम जज और उसकी बीवी नहीं है? उन्होंने आपके छोटे छोटे बच्चे रहेंगे,
जिन्होंने आपके छोटे छोटे बच्चे ने दूसरे बच्चे नाल नहीं काम कर सकते। तैयबा के पिता ने हमेशा कहा कि उन्हें केस वापस लेने के लिए कोई पैसे नहीं दिए जा रहे, पर कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने हमें फ़ोन कर कहा कि वो सच बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अभियुक्तों ने उन्हें वकील करने के लिए पैसे दिए और उसने तैयबा के पिता को केस वापस लेने के लिए राज़ी कर लिया। इसने राजू जौहर साहब ने बोला भी आपको लालच नहीं दे रहे हम, ये लालच नहीं है, ये हम हमदर्दी कर रहे हैं, मतलब है कि हमदर्दी कर रहे हैं आपको, आपके बच्चों के पास मकान नहीं है, मकान भी देंगे आपको, अच्छी सी गाड़ी भी लेकर देंगे, इंशाल्लाह आपका हालात बिल्कुल ठीक कराएंगे। तो उस वजह से आपने बोला ठीक है हम बयान नहीं देंगे उनके खिलाफ। जी अगर आप मतलब है इनके खिलाफ, राजा साहब के खिलाफ नहीं चले तो क्या आपको मिल जाएगी, हर चीज़ मिलेगी, अभी इन लोगों ने कुछ भी नहीं हमारे को दिया। कहना मुश्किल है कि क्या हुआ, पर दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने वाले एक तीसरे शख्स से बात कर हमने पाया कि तैयबा के पिता सच बोल रहे हैं। पर उनके पूर्व वकील का कहना है कि तैयबा के पिता झूठ बोल रहे हैं और कहा कि उन्होंने कोर्ट में भी ये कहा है कि उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। जज राजा खुर्रम अली और उनकी पत्नी महीन जफर के वकील ने कहा कि ये आरोप झूठे हैं। उन्हें एक घायल बच्ची की अनदेखी करने का दोषी पाया गया। दोनों को एक एक साल जेल की सजा हुई। बाकी सारे आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया, जिसमें तैयबा के साथ मारपीट करने का आरोप भी शामिल है। वो अभी आज़ाद घूम रहे हैं और इस फैसले को चुनौती दे रहे हैं। पर तैयबा के लिए ये सब एक सुखद अंत लेकर आया है। वो बड़ी होकर टीचर बनना चाहती है, क्योंकि वो कहती है कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, ना कि घरों में काम करना चाहिए। तो बाल मजदूरों को लेकर पाकिस्तान में बहस, और अब चर्चा उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच अगले सप्ताह होने वाली वार्ता की। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि किम जोंग उन ने उन्हें खुद ऐसा संकेत दिया है कि उत्तर कोरिया अपने हथियार खत्म करने के लिए तैयार है। उत्तर कोरिया की मिसाइलों से अमेरिका से कहीं ज्यादा उसके पड़ोसी चिंतित हैं, जिनमें जापान भी शामिल है। जापान डरा हुआ है, इतना कि पिछले साल दूसरे विश्व युद्ध के बाद उसने पहली बार हवाई हमलों से बचने के लिए ड्रिल किए। अब वो सोच रहा है कोई समझौता हुआ तो वो उत्तर कोरिया की सभी मिसाइलों के बारे में होगा या केवल उनके जो अमेरिका तक वार कर सकते हैं। जापानी प्रधानमंत्री उम्मीद कर रहे हैं उनके करीबी ट्रंप जापान का ध्यान रखेंगे, मगर शिंजो आबे कितने चिंतित हैं इसका अंदाजा इससे मिलता है कि वो 2 महीनों में 2 बार अमेरिका जा चुके हैं। वो एक और बात का पता लगाना चाहते हैं, उन जापानी नागरिकों का क्या हुआ जिन्हें किम जोंग उनके पिता के आदेश पर अगवा किया गया था। मेगुमी योकोता सिर्फ 13 साल की थी जब 1977 में स्कूल से घर लौटते वक्त वो लापता हो गई। 2 दशक तक उनका कुछ पता नहीं चला, फिर 2002 में उत्तर कोरिया ने माना कि उन्होंने मेगुमी और 12 अन्य लोगों को अगवा किया था। 5 लोगों को जापान लौटने दिया गया, पर उत्तर कोरिया ने कहा मेगुमी और दूसरे लोग मारे गए, पर उनके घर वालों को इस पर भरोसा नहीं। हम मानते हैं कि मेरी बहन जिंदा है और उत्तर कोरिया में दुख झेल रही है। उन्होंने कहा कि वो 1993 में मर गई, पर दूसरे लोगों ने उसे 1994 में देखा। उन्होंने उसकी अस्थियां भेजी, पर डीएनए टेस्ट में वो किसी और की निकली। हमें लगता है उत्तर कोरिया झूठ बोल रहा है। मेगुमी योकोता अगर जिंदा है तो वो 53 साल की होंगी। उनके परिवार ने 4 दशक तक उनका इंतजार किया है। अब सिंगापुर सम्मेलन ने उनकी आशा फिर से जगा दी है कि मेगुमी लौट सकती हैं। और आपको बता दें कि आज ग्लोबल राउंडअप में देखिए क्यों किया जा रहा है ऑस्ट्रिया में मस्जिदों को बंद, और 6 दिन बाद जिंदा मिली पहाड़ से गिरी एक महिला। और अब आज का कार्टून। कल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस के एक कार्यक्रम में शिरकत की, जिसकी काफी चर्चा हुई। हमारे कार्टूनिस्ट गोपाल शून्य ने इसी पर बनाया है ये कार्टून। और आगे है डिवाइस जिन्हें पहन महिलाएं रह सकेंगी महफूज। और पाकिस्तान के वो हिंदू जो करवाते हैं इफ्तार। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं आदित्य मेहरा। महिलाएं रोजमर्रा की जिंदगी में सुरक्षित महसूस करें, इसमें टेक्नोलॉजी उनकी कितनी मदद कर सकती है, कुछ इसी इरादे से पिछले साल एक प्रतियोगिता शुरू की गई और इस साल पहली बार पुरस्कार दिए गए। इसमें हिस्सा लेने वालों ने एक से एक नए उपाय सुझाए। बीबीसी ने कुछ प्रतियोगियों से मुलाकात की। उन्होंने वेयरेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ऐसे कारगर डिवाइस बनाए जो मुश्किल वक्त में महिलाओं की मदद कर सकते हैं। दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा एक बड़ी समस्या है। इस पुरस्कार का मकसद यही है कि कैसे इसे रोकने के लिए तकनीक की मदद ली जाए। एक ऐसे समय में जब दुनिया भर में अलग अलग तरह की इतनी एडवांस्ड तकनीक आ गई है, कई क्षेत्रों में हम इतना आगे बढ़ गए हैं, महिलाओं की सुरक्षा जैसी बुनियादी दिक्कतें अभी भी मौजूद हैं। भारत जैसे देश में जहां एसिड अटैक जैसी वारदातें आम हैं, ये तकनीक बेहद मददगार साबित हो सकती है। एक्सप्रेस के जज फाइनल में पहुंचने वाली टीमों की नई टेक्नोलॉजी देखने के लिए मुंबई पहुंचे। वहां एक भारतीय टीम ने एक साधारण सा गैजेट बनाया जिसे घड़ी या हार की तरह पहना जा सकता है। ये खुद में ही एक अलग डिवाइस है, इसे किसी स्मार्टफोन की जरूरत नहीं, यही चीज इसे दूसरों से अच्छा बनाती है। रूस की एक टीम ने एक रिंग बनाया जिसमें एक अलार्म बटन है। एक टीम ने त्वचा पर चिपकने वाला डिवाइस बनाया जो जरूरत के समय खुद एक्टिवेट हो जाता है और अलार्म बजाता है। अमेरिका की एक टीम ने तो एक ऐसा डिवाइस पेश किया जिसे आप सूंघ कर एक्टिवेट कर सकते हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में विजेता के नाम का ऐलान किया गया। And the winner is... Leaf wearables. Come up front, please. The feeling was amazing. ये एक शानदार अनुभव है, लेकिन पावर के साथ जिम्मेदारियां भी आती है। $1 million के साथ एक जिम्मेदारी भी है कि हम मार्केट में बने रहे और महिलाओं की मदद करते रहे। मानिक और उनकी टीम को उम्मीद है कि ये गैजेट जल्द ही महिलाओं के हाथों में होगा। तो महिलाओं के हाथों में होगी उनकी अपनी सुरक्षा। और पाकिस्तान में सिंध प्रांत के रेगिस्तानी इलाके थार पारकर में एक इलाका हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल है। वहाँ कई पीढ़ियों से रमज़ान के महीने में हिंदू परिवार मुसलमानों के लिए इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं। बीबीसी संवाददाता रियाज सोहेल ने वहाँ पाया कि दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के त्यौहार मिलकर मनाते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कासिम शाह के इस दरबार में रमज़ान के दिनों में जैसे मेला सलग जाता है। शाम से ही हिंदू मुसलमान दोनों जुटने लगते हैं। मुसलमान आते हैं रोज़ा खोलने और हिंदुओं के मलही समुदाय के लोग आते हैं इफ्तार का इंतज़ाम करने। मोहन लाल यहाँ तब से आते हैं जब वो बच्चे थे और अब वो भी अपने चाचा के नक्श कदम पर चलते हुए इस मज़ार की देखभाल करते हैं। तो जो माइटू ने एक मोहब्बत सिखाई थी, ये तेरा मामा है, ये चाचा है, ये भाई है, ये नहीं बोला कि ये मुसलमान है या ये मेघवाड़ है, सिख है, ईसाई है, ये कौन है। और हमारे यहाँ जो है ना आज भी यही है, बस हिंदू मुस्लिम हम सारे जो है एक भाइयों की तरह रहते हैं। थार के रेगिस्तानी इलाके में मौजूद इस जगह मीठी में ऐसी रसोई हिंदू और मुसलमान दोनों के सहयोग से चलती है। बाकी हम मुस्लिम भी है, हमारे भाई हैं सारे, उनको बिठा के जिनके रोजे हैं उनको रोजे खिलाते हैं। तो मुर्शिद है तो वो भी हमारा मुस्लिम है, उनको मानते हैं, तो हमारी मुस्लिम बिरादरी है तो वो भी हम मिलकर साथ बैठकर। यहाँ दोनों ही समुदाय मिलकर होली, दिवाली और ईद मनाते हैं और भाईचारे की इस रवायत का जश्न मनाते हैं। पर पिछले कुछ सालों से यहाँ मुस्लिम मदरसों की तादाद बढ़ने से इलाके के हालात बदल रहे हैं। ऐसे में अब तक भाईचारे की मिसाल रहे इस इलाके की सूरत भी वक्त के साथ कब बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता। तो ये थी पाकिस्तान से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल। और बीबीसी दुनिया में आगे होगा ग्लोबल राउंडअप, जिसमें देखिएगा मंगल पर मौजूद मीथेन मौसम के मुताबिक होती है ज्यादा और कम। और अमरीका में आए बवंडर का नजारा। तो मिलते हैं ग्लोबल राउंडअप में एक छोटे से ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं विदित मेहरा और अब वक्त है बीबीसी ग्लोबल राउंडअप का और पहली खबर सीरिया से। सीरिया में विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इदलिब प्रांत में कल रात हवाई हमले में 38 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 5 बच्चे थे। ब्रिटेन स्थित एक मानवाधिकार संस्था ने यह खबर देते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि ये हमले रूसी विमानों ने किए हैं। कनाडा में आज से शुरू होने वाले G7 सम्मेलन से पहले अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप और दूसरे G7 नेताओं के बीच स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ को लेकर तीखी तकरार हुई। G7 के 4 दशक के इतिहास में ये शिखर सम्मेलन अब तक सबसे ज्यादा तनाव वाला सम्मेलन माना जा रहा है। ऑस्ट्रिया ने घोषणा की है कि वो अपने यहाँ विदेशी पैसे पर काम करने वाले 40 इमामों को देश से बाहर निकाल देगा, साथ ही 7 मस्जिदों और कुछ धार्मिक संगठनों को भी बंद किया जाएगा। अधिकारियों ने यह फैसला तुर्की की मदद से चल रहे कई मस्जिदों की जांच के बाद लिया है। ग्वाटेमाला के फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद से अब तक 109 लोगों के मारे जाने और करीब 200 लोगों के लापता होने की खबर है। राहत एवं बचाव कर्मियों के तलाशी अभियान बंद कर देने के बाद स्थानीय लोगों ने अपने रिश्तेदारों को ढूंढना खुद शुरू कर दिया है। मैं अपने माँ और छोटे भाई बहनों को ढूंढ रहा हूँ। ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद से मैंने उन्हें नहीं देखा है, वो यहीं रहते थे। और इसके अलावा खबरों में है मंगल ग्रह। नासा की नई रिसर्च के मुताबिक मंगल ग्रह के कुछ हिस्सों पर जीवन की उम्मीद की जा सकती है। ये नई खोज वहां मौजूद मीथेन को देखकर की गई है, जो कि पृथ्वी की तरह घटती और बढ़ती रहती है, जिसके बदलाव का कारण जैविक प्रक्रिया होती है। 6 दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया के टायसन पर्वत पर चढ़ाई कर रही एक कोरियाई महिला चढ़ाई के वक्त गहरे गड्ढे में गिर गई थी। उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने निकाल लिया है। जोई हान ने पिछले 5 दिनों से कुछ नहीं खाया और वो बेहोशी की हालत में मिली। और ये नज़ारा है अमेरिका के व्योमिंग राज्य के लेरेमी शहर का, जहां कल कुछ ऐसा तूफान आया। मौसम विभाग का कहना है कि ये तूफान चेतावनी देने के 2 ही मिनट बाद आ गया। हालांकि इससे किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन कुछ घरों और बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है। और अब कुछ खबरें बीबीसी के सोशल मीडिया से भी। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने एक तस्वीर ट्वीट की है और लिखा है, कैसा होगा फीफा वर्ल्ड कप में ग्राउंड जीरो का नज़ारा? क्या स्टेडियम में बैठकर मैच देखना आसान होगा? हम आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट सोमवार शाम 6 बजे बीबीसी दुनिया में। तो कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को शाम 6 बजे। किसी भी टॉपिक पर आप मुझे सीधे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @bbcvidit। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत।